अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्किस मंसूर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू की एक अलग तरीके की पकौड़ियाँ। तो ये देखिए, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना। तो ये देखिए, मैंने ये चार आलू ले लिए हैं और इनको अब मैं कट कर लेती हूँ। मुझे किस तरह से ये कट करने हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इन आलुओं को मैं इस तरह से पतला पतला काट लेती हूँ। बिल्कुल एक आलू में से कम चार पीस बनाऊंगी। तो ये देखिए, अगर हमारा आलू ज्यादा मोटा है तो इसमें पांच भी पीस बना सकते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से काट लीजिए। और फिर इसको इस तरह से स्लाइस में काट लीजिए। ये आप देख सकते हैं ये मैं किस तरह से काट रही हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल स्लाइस में मैंने ये काट लिए हैं। ये मैं सारे आलू इसी तरह से काट लूंगी। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से मैं सारे आलू काट लेती हूँ। ये बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। ये 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से ये बिल्कुल स्लाइस में सारे आलू काटे हैं। ये देखिए, इसका साइज ज्यादा मोटा नहीं है ना ज्यादा पतला है, बिल्कुल मीडियम साइज है। तो ये हमने सारे आलू काट लिए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले। ये देखिए, आधा चम्मच डाला है मैंने हल्दी पाउडर। और ये एक चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें कुटी हुई मिर्च। ये जो मैंने ये अभी मोटी मोटी कुटी हैं, ये इसमें पिसी हुई मिर्च नहीं डालनी है। और नमक डाल रही हूँ मैं इसमें स्वाद अनुसार। और ये एक चम्मच डाला मैंने इसमें चाट मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला। और ये मैंने डाल दिया है इसमें बेसन। ये मैं इसमें कम से कम दो मुट्ठी बेसन डालूंगी। नमक मैंने इसमें पहले अभी इसलिए नहीं डाला था क्योंकि आलू एकदम नमक डालते ही पानी छोड़ने लगते हैं, तो इसलिए बेसन के ऊपर मैंने नमक डाला है। तो इसको इस तरह से मिला लें बिना पानी के। बेसन को बिल्कुल सूखा सूखा बेसन रहना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर अभी और थोड़ा सा बेसन छिड़का है। तो ये बिल्कुल मैंने इस तरह से मिला लिया है। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने तेल गरम कर लिया है। ये मैंने हाई फ्लेम पे ही तेल रखा हुआ है तो इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो ये देखिए, हमारी जो ये पकौड़ियाँ हैं बहुत जल्दी बनने वाली हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 10 मिनट में ही बनके तैयार हो जाती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, लॉकडाउन चल रहा है तो घर में सभी परेशान रहते हैं, तो इसलिए आप भी इस तरह का कुछ भी बनाइए और बच्चों को खिलाइए, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, मन भी लगाएगा बच्चों का। तो ये हमारी झटपट रेसिपी है, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, मैं इसको किस तरह से हिला रही हूँ, बिल्कुल अलग अलग मेरी एकदम पकौड़ियाँ हैं।
देखिए मेरी पकौड़ियाँ हो चुकी हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही आराम से मैं इनको निकाल रही हूँ। आप इतना ध्यान रखिए कि इसको हाई फ्लेम पे ही हमें फ्राई करनी है। तो ये देखिए मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगा है बनाने में मुझे ज्यादा। देखिए इनको भी बिल्कुल मैं सेम इसी तरह से फ्राई करूंगी। ज्यादा मसालों की भी इसमें हमें जरूरत नहीं है। तो ये देख सकते हैं आप हमारी ये जो पकौड़ियां हैं किस तरह से फ्राई हो रही हैं। कि बैठे बैठे अगर आपका मन नहीं लग रहा और कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है तो आप उठिए और फटाक से आलू उठाइए और इस तरह की पकौड़ियाँ बनाइए। आपका मन भी लग जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए अब हम इसको दूसरी साइड से बदल देते हैं। एक साइड से ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी हैं। तो ये दूसरी साइड से हमने इनको बदल दिया है। ये देखिए हमारी ये जो है पकौड़े बनके बिल्कुल तैयार हो गई हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है, एकदम कुरकुरी आप देख सकते हैं इनको। और ये मैंने टमाटर सॉस लिया हुआ है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, मैंने इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है और ये मैंने घर पे ही बनाया था। आप भी इसको बना सकते हैं, छुट्टियों का मजा लीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना।